प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार पर पैसे के बल पर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने अपने एक संदेश में प्रदेश की जनता से एक बार फिर ये कहा है कि ये पैसे से बनी हुई सरकार है। सभी मेरे साथी और कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में जो जनता तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया है, जनता को सच्चाई समझाइए। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आखिरी दिनों में आप सब भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना परिवार भूलकर, अपना कामकाज भूलकर, ये जो आपकी मेहनत इतने दिनों की थी, इस ये मेहनत सफल हो, मतदाता तक भी ये बात पहुँचाएँ कि किस तरह सौदा हुआ, किस तरह ये बोली से सरकार बनी। और ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, अपने क्षेत्र के भविष्य का है। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार टिकी रहे, जो सरकार ने नोटों से शासन प्राप्त किया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले दिनों में पूरी निष्ठा के साथ आखिरी वक्त तक, मतदान तक आप लगे रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये संदेश, मेरा धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं सब अपने साथियों तक पहुंचाएं जहां ये नहीं पहुंचा है। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ की इस अपील पर अगर गौर करें तो इसमें निराशा ज्यादा नजर आती है। वो अपनी पार्टी की टूट फूट से इतने त्रस्त नजर आ रहे हैं कि वो सीधे सीधे शिवराज सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं और अपनी पार्टी के अंदर मची अंतरकला पर पर्दा डालना चाहते हैं। लेकिन पिछले साल जब प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी, तभी से पार्टी में असंतोष लगातार बढ़ ही रहा था। दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने का असर ये हुआ कि कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी और अभी चुनाव के दौरान ही एक और कांग्रेस विधायक ने त्याग पत्र दे दिया। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह भगदड़ मची हुई है, उसे पार्टी की अंदरूनी कला ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम भारत।